आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने जो सेकंड अकाउंट जो बैंक अकाउंट भाई ऐड कर सकते हैं अपने गूगल पे अकाउंट में। एंड तो आपको क्या करना है कि अपना जो गूगल पे अकाउंट है वो ओपन कर लेना, एंड फिर आता भाई इंटर द पासवर्ड लॉक, एंड जो भी आपने पैटर्न लगाया हुआ तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो भाई ये जैसे कि आपको दिख रहा है सभी का ऐसे ही कुछ दिखता है गूगल पे अकाउंट, तो कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सेकंड अकाउंट जोड़ने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर भी ऐड टच करेंगे तो भी नहीं दिखेगा भाई, एंड एक्सप्लोर वाले पे अगर आप टच करेंगे तो भी इसमें भी बिजनेस से आइडिया या कुछ और जो भी कुछ होते हैं तो वो सभी देखने को आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं दिखेगा जो हमें चाहिए बैंक अकाउंट। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ऊपर वाला जो थ्री डॉट वाला ऑप्शन होता है ना, दो तरीके बताऊँगा दोस्तों आपको ऐड करने के बैंक अकाउंट। तो जो भी आपकी प्रोफाइल या फ़ोटो है तो उस पर टच कर देना, एंड पहले क्या है दोस्तों आपका जो गूगल पे अकाउंट है ना तो उसको कर लेना भाई अपडेट कर लेना। जैसे कि आपको ये अपडेट वाला दिख रहा ना ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना, एंड मैंने अपडेट कर लिया क्योंकि सभी में अलग अलग दिखाई देगा भाई, अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो अपडेट करने के बाद में ये जो आपका फ़ोटो ना तो यहाँ पर आपको टच कर देना, एंड टच करने के बाद में ये देखिए दोस्तों ये रहा पेटीएम पेमेंट बैंक, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा ना तो उस पर जैसे आप इसको टच कर लेना, एंड टच करने के बाद में भाई प्राइमरी तो आपको ये रहेगा, एंड सेकेंडरी जो आपको जोड़ना ना सेकेंड वाला बैंक अकाउंट तो आपको यहाँ पर टच कर देना है। तो ऐड बैंक अकाउंट, तो फिर आपको क्या है कि अपना जो बैंक जो भी होगा ना तो वो इनमें से आपको सर्च कर लेना जो भी आपका बैंक है। तो मेरा पंजाब नेशनल बैंक है भाई, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो पंजाब नेशनल, तो ये रहा भाई पंजाब नेशनल मैंने टच किया था, एंड ये आपको देखिए तो ये मेरा क्या है कि कैन नॉट अकाउंट योर मोबाइल नंबर, तो ये कह रहा कि मेरा मोबाइल नंबर वो नहीं है, लिंक नहीं है उससे। तो भाई ये रियलिटी भी है क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट में ये नंबर पहले ऐड तो है यार, मैंने चेंज करवाया था लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो आज की डेट में मैंने अपडेट करवाया था। लेकिन जो तरीका ना जो ऐड करने का तो वो यही है भाई, आपको क्या है कि अपना जो ये वाला है ना तो ऐड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको टच करना है, एंड जो भी आपका बैंक होगा ना तो उसको टच करके आप ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड जो दूसरा तरीका दोस्तों वो है कि ये रहा भाई न्यू पेमेंट आपको दिख रहा ना न्यू पेमेंट, तो आपको इस पर टच कर देना, एंड टच करने के बाद में दोस्तों क्या है कि आपको ये मिलेगा एक सेल्फ़ ट्रांसफ़र, तो इस पर आपको टच करना है वो सेल्फ़ ट्रांसफ़र पर। और देखिए सेल्फ़ ट्रांसफ़र पर आपको टच करने के बाद में ये रहा ऐड बैंक अकाउंट, तो ये सेकेंड नंबर पर, तो ये रहा भाई, तो ये फिर से वही आ गया कि आपको जो भी अपना बैंक है ना तो उस पर टच कर देना। एंड मैं एक वीडियो और देख लेता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, तो ये हो गया भाई। तो देखिए ये नहीं हो रहा क्योंकि आज ये अपडेट करवाया, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, बैंक में जाके मैंने चेंज करवाया मेरा मोबाइल नंबर। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, एंड यही तरीका है, दो तरीके ये, एंड आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो नॉलेज भरी होती है भाई वे लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आपने अगर अपडेट कर लिया तो प्लीज़ कॉमेंट भी कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।